बीजेपी एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम सारे मुल्क में एनआरसी लाएंगे, लेकिन असम में जो एनआरसी का फाइनल लिस्ट आया है वहाँ पे बीजेपी के लीडर्स ये बोल रहे हैं कि हम इस एनआरसी को रिजेक्ट करेंगे। तो इसका वजह क्यों है, क्या है कि बीजेपी ये बोल रहे हैं हम सारे देश में एनआरसी लाएंगे, फिर असम के बीजेपी लीडर्स ये बोल रहे हैं कि हम एनआरसी को रिजेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसका वजह क्या है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एनआरसी हुआ है एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस में, हर लोगों का डॉक्यूमेंट्स 5 स्टेप में वेरिफिकेशन किया गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को 300 या तो 400 ऐसे दूर किलोमीटर से दूर दूर लोग उनको ले लिया गया और वहाँ पे उनका उनका हियरिंग हुआ, तो बहुत सारे लोगों का रास्ता में एक्सीडेंट होके मौत भी हो गया है। तो असम के जो एनआरसी है ये बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस था। आप याद कीजिए वो 2017 का, जब असम का सीएम श्री सर्बानंद सोनोवाल ये बोलते थे कि अगर कोई आसाम के अगर कोई एनआरसी के खिलाफ बात करे तो वो राष्ट्रद्रोही है। फिर बात करते हैं हम 2018 के, जब 18 में उन्होंने फिर आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का श्री सर्बानंद सोनोवाल उनका फिर स्टेटमेंट आते हैं, उन्होंने ये बोलते हैं कि हम हमारे वजह से हमारे गवर्नमेंट की सहायता की वजह से आज आसाम के लोगों को एक सेफ गार्ड मिल गया। मतलब आज जो एनआरसी का ड्राफ्ट लिस्ट आया है ये ड्राफ्ट लिस्ट आसाम के लोगों के लिए सेफ गार्ड की तरफ काम करेगा। लेकिन जब आते हैं 2019, तो 19 में बीजेपी का जो मिनिस्टर है श्री हिमंत बिश्वा शर्मा उनका एक स्टेटमेंट आते हैं और ये बोलते हैं कि हम एनआरसी को रिजेक्ट करेंगे। तो इसका वजह क्या है, इसका वजह तो उन्होंने जो बीजेपी की तरफ से ये बात आते हैं उनका जो कहना है कि एनआरसी में बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों का नाम आ गया है इसलिए हम एनआरसी को रिजेक्ट करेंगे, पहला बात। दूसरा बात यह है कि उन लोगों का कहना है कि एनआरसी से बहुत सारे इंडिजिनियस बहुत सारे ओरिजिनल भारतीय लोगों का नाम काटा हुआ है, दैट मीन्स दे आर मैनी इंडिजिनियस पीपल दे आर लेफ्ट आउट फ्रॉम एनआरसी, दस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस एनआरसी। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि बीजेपी ये चाहते थे कि असम में जो एनआरसी होगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम बाद दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम लेफ्ट आउट किया जाएगा, लेकिन वो अपना जो एम था वहाँ पे सफल नहीं हुआ। सिर्फ 19 लाख पीपल का नाम एनआरसी से बाहर रखा गया और लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर हिंदूज, दास दे आर रिफ्यूजिंग एनआरसी, सम पीपल से दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यह है कि एक तरफ तो ये बोल रहा है कि हम सारे देश में एनआरसी लाएंगे, फिर दूसरा तरफ आसाम के जो एनआरसी हुआ है और ये बोल रहे हैं कि हम एनआरसी को रिजेक्ट करेंगे। मेरे देशवासी भाइयों से मेरा यही अपील है कि आप लोग बीजेपी से सवाल करें कि भाई अगर तुम लोग सारे देश में एनआरसी लाना चाहते हो तो आसाम के एनआरसी को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। पहले तुम ये बोलते थे कि हम एनआरसी में हेल्प कर रहे हैं, हम एनआरसी को आसाम में लागू करेंगे, एनआरसी आसाम के लोगों का सेफगार्ड की तरफ काम करेंगे, फिर तुम ये बोल रहे हो कि हम इस एनआरसी को मानते नहीं, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो तुम्हारा जो ये बात है 2017 में एक बात कहते हो, फिर 2019 में एक बात कहते हो, पहले तुम आसाम में जो एनआरसी लाए थे उसको अगर तुम करेक्ट नहीं कर पाए तो तुम कैसे सारे देश में एनआरसी करेक्ट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी सवाल है।